कुछ लोगों को माँ बाप के बारे में खुन्नस होती है और उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केलकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत सारे लोगों को एक अपराधीपन की भावना होती है, गिल्ट फीलिंग होता है, उसके वजह से उनको डिप्रेशन आता है, निराशा है, चिंता है। कभी कभी कुछ लोगों को बहुत ही अपने माँ के बारे में, पिताजी के बारे में बहुत गुस्सा आता है, खुन्नस होती रहती है कि उन्होंने हमारा पालन पोषण नहीं किया, उन्होंने ये किया वो किया, उन्होंने हमको सिखाया नहीं, उन्होंने हमारे ऊपर संस्कार नहीं किए, और वो बहुत खुन्नस पकड़ के बैठे हैं और काफ़ी झगड़ा करते रहते हैं। अभी एक लड़की बी है मेरे पास में आई हुई है, और कुछ दिन पहले वो एक दो बार आके गई। बहुत ही होशियार लड़की है, मगर पहले से उसको माँ के बारे में बहुत ही खुन्नस है, और माँ ने मुझे प्यार नहीं दिया, माँ ने कभी मेरे से अच्छी बात नहीं किया, ऐसा जैसा उसको लगता है कि माँ मेरी कॉम्पिटिटर है। पिताजी को डरती है क्योंकि पिताजी बहुत सख्त तरह से उसके साथ में व्यवहार करते हैं। पिताजी को डरती है, मगर माँ के साथ में वो बहुत धिंगाना कर लेती है, बहुत डिमांडिंग रहेगी, खाना बराबर नहीं खाएंगी, घर में कुछ काम नहीं करेगी, पढ़ाई भी नहीं करेगी, और माँ के बारे में उसको बहुत गुस्सा। फिर मैं उसको हिस्टीरिया काउंसलिंग किया, मैंने जो उसको बताया मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए कि माँ बाप के बारे में बहुत लोगों को गुस्सा होता है। माँ आप अपने ऊपर प्यार नहीं करते हो, नंबर एक, और वह आप जो अपने ऊपर प्यार नहीं करते कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं इतना ठीक नहीं हूँ, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कुछ कम हूँ, या मेरी सेल्फ इमेज जो है वो ज़रा बराबर नहीं है, या मैं एक नर्वस टाइप का आदमी हूँ, ऐसा आप सोचते रहते हो और अपने ऊपर प्यार नहीं करते। मैं हरदम बोलते रहता हूँ कि आप अपने ऊपर प्यार करना चालू करो। पर अपने ऊपर आप प्यार क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको कभी अपने ऊपर प्यार करना सिखाया नहीं। अच्छा, वो क्यों नहीं सिखाया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने कभी अपने ऊपर प्यार नहीं किया। उनको ये मालूम नहीं था कि अपने ऊपर, खुद के ऊपर प्यार करना चाहिए, है ना, लविंग सेल्फ। क्योंकि आप यदि खुद के ऊपर प्यार करते हैं तो दुनिया में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा है कि जो आपके ऊपर प्यार कर रहा है। तो माँ बाप को अच्छा समझना है, माँ बाप की जानकारी लेना है, माँ बाप को सुनना है उनके जीवन में क्या हुआ, उन्होंने ऐसा मेरे ऊपर क्यों संस्कार किए, वो इतने सख्त क्यों थे, उन्होंने बुरा व्यवहार क्यों किया, या जो भी उन्होंने आपके साथ में व्यवहार किया होगा, तो मैं आपको ये दरख्वास्त करूँगा कि आप उनके साथ में बैठो, उनको पूछो कि उनके बचपन में क्या हुआ था, उनके माँ बाप कैसे थे, वो जो आज बने वो कैसे बने। आपको समझ में आएगा कि उनको भी कभी उनके माँ बाप ने अपने ऊपर प्यार करना सिखाया नहीं, उनको भी कुछ ना कुछ अपने माँ बाप के प्रति अपूर्णता थी, उनको भी अपने माँ बाप के प्रति कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग में था, खुन्नस थी या जो भी कुछ था, इसके वजह से जो आज वो है वो ऐसे बने। फिर मैं उस वो लड़की को ये कहा कि भाई आपके पीछे आपकी माँ पड़ती रहती है, ये करो वो करो, आपको ऐसा लगता है कि वो प्यार करती नहीं, मगर ऐसा हो सकता है क्या कि आपकी माँ आपके ऊपर प्यार ही नहीं करती? नहीं, बोले प्यार ही नहीं करती। मैंने बोला वो जब आपके पीछे लगती है कि नहीं पढ़ाई कर, या तो अच्छी क्वालिफिकेशन ले सकती है, अच्छी पढ़ाई कर सकती है, आप सब तरह का खाना बना सकती है, आप ये जिम्मेदारी ले सकती है, वो आपके ऊपर क्यों डिमांड करती है? बाजू वाले लड़की के ऊपर जाके तो डिमांड नहीं करती, वो आपके ऊपर डिमांड करती है, क्योंकि उसका जो प्यार जताने का तरीका है वही डिमांडिंग तरीके का है, मतलब वो डिमांड करती है, वो उसका प्यार है। तो वो आप समझती नहीं है कि वो जो प्यार करती है ना, उसका प्यार करने का तरीका ही वो है कि वो आपको डिमांड करेगी, आपके पीछे पड़ेगी, आपको बोलेगी ये कर वो कर, आपकी आपसे अपेक्षाएं रखेंगी, और वो ये देखेंगी मगर कि आपका बराबर सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आप बड़ी व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा उसको लगता है। तो भले ही वो प्यार से आपको गोद में नहीं ले रही, प्यार से झप्पी नहीं लगा रही, आई लव यू नहीं बोल रही, वो उसका तरीका है नहीं। ये लड़की बोली थी मेरे माँ ने कभी मुझे आई लव यू जिंदगी में बोला ही नहीं। बोले उसका तरीका ही आई लव यू बोलने का, आप जो है वो आपके पीछे पड़ने का है, आपको बड़ा बनाने का है, आपको अच्छी एजुकेशन देने का, उसका प्यार है, वो आई लव यू वो तरीके से बोलती है। तो यदि आप वो समझ के लेते हैं तो आपको समझेगा कि आप आज जो बने हैं, या माँ बाप के प्रति आपको जो नफरत है, या जो भी आपकी शिकायत है, वो कहाँ से आई है। तो माँ बाप को हरदम रिस्पेक्ट करो, वो आपके सोर्स है, वो आपके लिए हरदम के लिए स्टैंड लेते हैं, खड़े रहते हैं, और वो यदि खड़े रहते हैं तो ही आप बनते हो आगे। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि माँ बाप
आपकी तरक्की नहीं चाहेंगे। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि माँ बाप आपके कॉम्पिटिटर बनेंगे। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आपको कुछ तकलीफ होंगी और उनको अच्छा लगेगा, ऐसा कभी होगा ही नहीं। हाँ, उनकी गलतियाँ हो सकती है, तो माँ बाप को माफ़ कर देना यदि अपने दिमाग में खुन्नस है तो, और उसकी जिम्मेवारी लेना कि नहीं, मैंने आपके प्रति बहुत खुन्नस पकड़ के रखी थी, आपका प्यार मैं नहीं समझ सका या नहीं समझ सकी, और उनके साथ में जो अपूर्णता है वो डायलॉग जो है वो बंद हुआ है वो पूरा करना, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और जब माँ बाप के साथ में आप जुड़ जाते हो, एक हो जाते हो, तब आप ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा काम कर सकते हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जी सकते हो। तो आज ये एक काम करो, जैसे भी आपके माँ पिताजी है उनके साथ में बातचीत करो, उनको समझ लो, आपके साथ में जैसा भी वो व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार वो क्यों करते हैं, उनका बचपन जान लो, उनको जान लो, वो ऐसा क्यों करते हैं, तो आपको समझ में आया वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और फिर आप जब एक हो जाएंगे माँ बाप के साथ में, वो आपके ऊपर प्यार करेंगे, आप अपने ऊपर प्यार करेंगे, तो देखो ज़िंदगी कैसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी असामान्य बन जाएगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।